बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, सीबीआई कार्रवाई पर आरजेडी ने उठाए सवाल। प्रयागराज में उमेश पाल शूट आउट कांड का एक और आरोपी ढेर, विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, 50,000 रुपए का था इनाम। अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है पर निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल ने विदेशी धरती पर किया देश का अपमान। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए महानायक अमिताभ बच्चन, एक्शन सीन के दौरान पसलियों में लगी चोट, शूटिंग छोड़कर लौटे मुंबई, ब्लॉक कर दी जाकर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का जो आखिरी दिन, राउ एवेन्यू कोर्ट में होनी है पेशी। बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन, 150 से ज्यादा नए नर्सिंग होम बनाने के साथ फार्मा सेक्टर को बढ़ाने की चर्चा। भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। केरल के कोची में कूड़े के ढेर में लगी आग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, धुएं ने आसपास के कई इलाकों को चपेट में लिया, प्रशासन के लोगों से घरों में ही रहने की अपील। दोषखाना मामले में इमरान खान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बाद से ही घर के बाहर जुटे समर्थक इमरान की पूर्व पत्नी का सवाल, क्या बुर्का पहनकर भाग गए इमरान खान। वेमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की धमाकेदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 रन से हराया, यूपी ने रोमांचक मैच में गुजरात को 3 विकेट से दी मात, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के मुकाबला आज। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50 के जरिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई की टीम, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची है। प्रयागराज में उमेश पाल शूट आउट कांड का एक और आरोपी ढेर, विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, आरोपी पर 50,000 रुपए का था आरोप है कि नामी विजय ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई।